नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि राजस्थान के उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के छाली गांव में जो है पैंथर का आतंक है। 18 सितंबर से वो लगातार अटैक कर रहा है। 3 मौतें हो चुकी है, 3 पशुओं का शिकार वो कर चुका है। वहां पर वन विभाग की और वाइल्ड लाइफ की टीमें काम कर रही है। कुल 7 टीमें हैं जो पैंथर का के लिए सर्च ऑपरेशन चला रखा है, पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे साथ में हैं SDM डॉक्टर नरेश जी सोनी और तहसीलदार ओम सिंह जी लखावत। बात करेंगे कि आखिर सर्च ऑपरेशन किस प्रकार से चलाया जा रहा है, कितने लोग वहाँ हैं और क्या कोई सेंटर बना रखा है, किस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। आखिर 24 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चल रहा है तो वो कैसे चल रहा है, क्या प्रोसेस चल रहा है। जी सर, नमस्कार सालवे जी। जैसा कि आपने पूछा कि प्रशासन किस तरीके से ये समुचित व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर अपने प्रयास कर रहा है, तो सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि ये एक 3-स्टेप प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है कि फॉरेस्ट की जो टीमें हैं उनका डिप्लॉयमेंट, जो कि 3 जो घटनाएं हुई थी उनमें पर्टिकुलर डिप्लॉयमेंट किया गया कि वहाँ पे केज लगाए गए, और जो हमारे पास में करीब 70-80 फॉरेस्ट की मैन पावर थी, हमारे पास करीब 8-10 रेंजर हैं, DFO सब खुद यहाँ पे हैं। DFO एक सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग करते हैं, रेंजर्स अपनी टीम के साथ में कुछ पॉइंट्स जो कि उसका रूट होता है कि पहला शिकार उसने एक जगह किया, दूसरा शिकार दूसरी जगह, तीसरा शिकार एक जगह किया, तो ये एक आकलन किया जाता है कि उसका मूवमेंट किस तरफ, ये एक संभावना व्यक्त की जाती है कि इस तरफ मूवमेंट हो सकती है। तो उसी रेंज के क्रम के अंदर स्टेप्स बनाते हुए टीमों को डिप्लॉयमेंट किया जाता है। साथ में ये भी ध्यान रखा जाता है उस टीमों के डिप्लॉयमेंट के दौरान कि यदि उसके आसपास के 3-5 किलोमीटर की परिधि में कोई भी घटना यदि भविष्य में होती है तो टीमें तत्काल वहां जल्दी से जल्दी करीब 10-15 मिनट के अंदर टीमें पहुंच जाएं। जैसा कि हमने देखा भी था पिछले 2-3 दिनों के अंदर कि फोन आते थे कि सर हमने यहाँ पे लेपर्ड को देखा है, किसी का फोन आया, किसी ने बताया कि वहां पे सुना है ऐसा कि लेपर्ड देखा गया है, टीमें विद इन 15 मिनट वहां पे पहुंच जाती थी और उसको वॉच करती थी, काफी न्यूज उसमें फेक भी निकली थी। ये तो था कि सेंट्रलाइज रूप से फॉरेस्ट की टीमों को डिप्लॉयमेंट करना। सेकंड आता है प्रशासन द्वारा व्यवस्थाओं का आकलन करना, उसके अनुरूप जो है कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। कोऑर्डिनेशन किनके बीच में, कोऑर्डिनेशन जनता और टीमों के बीच में, कोऑर्डिनेशन जनप्रतिनिधि और टीमों के बीच में, कोऑर्डिनेशन प्रशासनिक व्यवस्था और जो टीमें फील्ड में काम कर रही है उनको लेकर, जनता में यह विश्वास दिलाना कि पूरा प्रशासन सजग है, समय समय पे आपकी बातों को सुन रहा है, उसके अनुसार इंप्लीमेंट करते हुए उस लेपर्ड को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। जनता में ये भाव भी पैदा करना, विश्वास का भाव भी पैदा करना कि नहीं, आप लोग घबराएं नहीं, हम आपके साथ हैं। जनता में जागरूकता भी पैदा करना कि यदि पैंथर के आने की स्थिति होती है तो उसके बचाव के क्या क्या उपाय हैं, किस तरीके से जो है, सामान्य स्थिति है कि लेपर्ड या पैंथर जिनको एक ही कहा जाता है, लेपर्ड जब भी सामने आता है लेपर्ड कभी भी अपने से वाइल्ड एनिमल के ऊपर अटैक जनरली नहीं करता है, तो यदि लेपर्ड आता है और आप अपने जोर से शाउट करते हैं, अपने हाथ पैरों को फैला लेते हैं, ठीक है, आप बैंड नहीं होते हैं तो लेपर्ड फियर में आ जाता है। ये एक सामान्य फिनोमिना है लेपर्ड के साथ में। लेपर्ड की क्वालिटी ये है कि लेपर्ड बहुत शाही होता है और दुनिया के सबसे बेहतरीन शिकारियों में से है और सबसे इंटेलिजेंट कैट फैमिली का सदस्य है। छुपना वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है। प्रिवेंटिव एक्शन क्या है कि हम खुद जो है अपने को उससे बचाएं, इसकी जानकारी आमजन को समय समय पर दी जाना, और जो लोग मूवमेंट करते हैं, फ्री मूवमेंट करते हैं, उनको इस चीज के बारे में बताया जाना कि फ्री मूवमेंट नहीं करना है, ग्रुप्स में मूवमेंट करना है। छोटे बच्चों को और वृद्धजनों को बाहर नहीं निकलने देना, जो कि उनकी एक हैबिचुअल प्रोसेस होती है, सुबह जानवरों को लेके जाना जंगल के अंदर और शाम को जो है जानवरों को वापस लेकर आना चरा चरवा के। तो ये दो ही सिचुएशन ऐसी होती है जो लेपर्ड के अटैक का समय होता है। लेपर्ड जनरली या तो इवनिंग में अटैक करता है या मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग में अटैक करता है। सामान्यतः मैक्सिमम जो अटैक्स उसके इवनिंग के समय के अंदर हमने देखे, और ये जो घटनाएं हैं पिछली 3 घटनाएं हैं इसमें भी आपने देखा कि तीनों जानवरों की भी घटनाएं हैं, तीनों व्यक्तियों की भी घटनाएं हैं, शाम के समय ही ये सारी घटनाएं हुई है। तो उस पर्टिकुलर 4-6 का समय जो है बड़ा सेंसिटिव समय होता है। लोगों को हमारे द्वारा बताया गया कि आप 3 बजे तक जो आपको काम करना कर लीजिए, उसके बाद में जब तक लेपर्ड पकड़ में नहीं आता है तो आप रहिए। तीसरा एक स्टेप, यहाँ पे एक नया स्टेप आया पर्टिकुलर रात के समय मॉनिटरिंग कैसे की जाए। रात के समय मैन पावर का जंगल में जाना बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा रिस्की होता है। केजेस लगा दिए गए हैं, करीब 6-7 जगह केजेस लगा दिए गए हैं, केजेस अपना काम करते हैं। इसके अलावा उनके क्लिक कैमराज होते हैं फॉरेस्ट के,
कैमराज को एक स्टिल मूवमेंट पे लगा दिया जाता है, उसके आगे यदि कोई भी मूवमेंट किसी जानवर की होगी तो वो क्लिक कर लेगा फोटो अपने आप, ये ऑटोमेटेड होता है उनके अंदर। तो उन्होंने करीब 10 से 12 जगह पे ये वो कैमराज फिट कर दिए थे अपने। अब हमारा ऑब्जेक्ट ये था कि क्या नाइट विजन फैसिलिटीज से हम इन चीजों को किया जा सकता है क्या। तो इस संबंध में जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा जो था आर्मी के जो हायर अथॉरिटीज है उनसे बात की गई। आर्मी के द्वारा यहाँ पे कैप्टन संदीप और मेजर दीपेंद्र जो थे वो यहाँ पर पहुंचे, उनके द्वारा एक प्रभावी मॉनिटरिंग की गई यहाँ पे ड्रोन के माध्यम से। जो नाइट विजन ड्रोन होता है पूरा 10 किलोमीटर की पैराफेरी में वो मूवमेंट कर सकता है और थर्मल सेंसेशन है उसके माध्यम से वो कोई भी जानवर मूवमेंट करता है तो उसको वो आइडेंटिफाई कर लेता है 4 किलोमीटर की हाइट से भी, तो वो भी उनके द्वारा प्रयास किए गए। इसके अलावा उनके पास में थर्मो सेंसिटिव बायनोक्युलर थे तो वो उनके माध्यम से भी ये देखा गया कि पॉइंट्स बना बना के कि रात को पूरी टीमें जागती रही कि यहाँ अगर कोई कहता है कि इस जगह पे लेपर्ड के आने की संभावनाएं हैं तो उस थर्मो सेंसिटिव जो बायोनुकुलर है उसके माध्यम से भी उस चीज को वॉच किया गया वहां पे। तो इस तरीके से आर्मी के द्वारा रात को काम किया गया, फॉरेस्ट के द्वारा दिन में काम किया गया और सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग प्रशासन के द्वारा इन तीनों डिपार्टमेंट के बीच में की गई। कुल कितने लोग हैं, फॉरेस्ट के कितने हैं, आर्मी से कितने हैं और प्रशासन से कितने लोग हैं जो इसमें जुटे हुए हैं? इसमें ऐसा है सर कि फॉरेस्ट के करीब 70-80 लोग जो है वो फॉरेस्ट के काम कर रहे हैं और करीब 8-10 टीमें काम कर रही हैं उनकी, और आर्मी के 8-10 लोग थे जिसमें टेक्निकल पर्सन भी है जिसमें कैप्टन और मेजर रैंक के अधिकारी भी यहां पर आए थे। प्रशासन की ओर से रेवेन्यू के करीब 8-10 जो टीमें हैं रेवेन्यू के द्वारा भी बनाई गई है कि जो लोग वहाँ पे किसी प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान किस तरीके से किया जाए तो वो उनको बताते हुए लोगों में एक विश्वास बहाली को लेकर हमारा मैसेज है वो लोगों तक पहुंचाने को लेकर वो टीमें भी लगातार काम कर रही है, मतलब उनको एरियाज डिवाइड किए हुए हैं उस तरीके से वो टीमें काम कर रही थी वहाँ पे। एक वो बार बार मांग उठ रही है मुआवजे वाली, तो मुआवजे का जो प्रक्रिया है वो कितनी आगे बढ़ी है और ये कब तक उनको मिलेगा इसका कोई? देखिए सर, हमें ऐसा लगता है कि मुआवजा जल्दी से जल्दी वहाँ पर मिल जाएगा क्योंकि मुआवजे को लेकर जो भी फॉर्मेलिटीज होती है वो सारी फॉर्मेलिटीज हमारे द्वारा लास्ट घटना 20 तारीख को हुई थी, 20 तारीख को 21 को मॉर्निंग तक हमारे द्वारा कर ली गई थी। सिर्फ हमारे पास में पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं पहुँची थी, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बिना ये प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है, जो कि कल मेरी यहाँ पे BCMO के साथ में बात हुई और कल शाम को हमारे को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल चुकी है। तो अब तीनों जो डेथ हुई है उनकी समस्त दस्तावेज हमारे द्वारा तैयार किए जा चुके हैं विद अकाउंट नंबर, अब वो सारे दस्तावेज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आज सबमिट करवा दिए जाएंगे। उसके पश्चात मुझे लगता है कि 7-15 दिनों के बीच में ये प्रक्रिया जल्दी से जल्दी निष्पादित करके और भुगतान की कार्रवाई की जा सकती है यदि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम किसी दस्तावेज में नहीं हो तो। जैसा कि अभी आपने बताया कि जहां पर पेंथर अटैक कर रहा है कोई ऐसी घटना सामने आ रही है तो फिर एक संभावना जताई जाती है कि वो उसका मूवमेंट किस दिशा में होगा, मान लीजिए आगे हो सकता है तो फिर आगे आप वहां पे पिंजरा लगाते हैं या टीम को भेजते हैं। तो ये जो अभी तक की जो घटनाएं हुई है इसमें ऐसा करते रहे हैं फिर भी वो नहीं आया, क्या लगता है बहुत सारे पेंथर है? सर वो जो एरिया है फॉरेस्ट रीजन है वाइट फॉरेस्ट रीजन है डेंस फॉरेस्ट रीजन है, लेपर्ड की सामान्य मूवमेंट्स वहाँ पे होती हैं और लेपर्ड्स कितने हैं क्योंकि इस एरिया में लेपर्ड्स की संख्या है तो, और लेपर्ड का जो पर डे का एरिया होता है वो 10-15-20 किलोमीटर का एरिया कवर कर सकता है आराम से, तो कोई भी लेपर्ड किसी भी जगह से शिकार की तलाश में जब वो भूखा होता है तो मूवमेंट करते हुए आ सकता है। तो ऐसा कहना कि एक से अधिक नहीं हो सकते इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक ये एक टेंडेंसी को देखा जाता है कि जनरली फर्स्ट एक जगह लोकेशन शिकार किया, दूसरी उससे आगे एक मानते हैं कि पूर्व दिशा की ओर शिकार किया, उससे आगे पूर्व दिशा की ओर किया तो ऐसा माना जाता है कि अब उसकी मूवमेंट टूवर्ड्स ईस्ट उसकी मूवमेंट हो रही है, तो ये आकलन किया जाता है। सेकंड एक साइकोलॉजी है पैंथर की कि एक शिकार को करने के बाद में वो जनरली उसके सराउंडिंग के 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में रहता है जब तक वो शिकार नहीं खा पाता है। ये जो पर्टिकुलर केसेज में क्योंकि इसने ह्यूमन को टारगेट किया, ह्यूमन सॉफ्ट टारगेट होते हैं जो कि फर्स्ट अटैक में उसको समझ में आ जाता है कि बड़े सॉफ्ट टारगेट हैं तो उसके लिए वो इजी होता है उनको शिकार करना। जब उसके द्वारा शिकार किया गया उनका और उसकी बॉडी को मूव कर लिया जाता है तो उसका फूड जिसको वो फूड मानता है वो फूड अगर वहाँ से हटा लिया जाता है तो पैंथर फिर अपने नए शिकार की ओर जाएगा, फिर अपना पेट भरने के लिए उसको दूसरी जगह की तलाश करना पड़ेगा, तो इसमें उसकी मूवमेंट जो है वो फ्री मूवमेंट हो जाती है फिर उसके अंदर। अब हमें ये था कि परसों जिस तरीके से गाय का शिकार उसके द्वारा किया गया तो वो ये माना गया कि वो उस लोकेशन पे वापस आएगा क्योंकि उसने रात को भी इस गाय का बैक पार्ट जो है उस पार्ट को खाया था, वो चीज़ें हमने फ्रेश टीम के साथ में जाके देखा कि वो पार्ट खाया हुआ, तो हमें ये था कि वो उसके सराउंडिंग के एरिया में रहेगा और नाइट में वो वापस आएगा तो उसके पास ये केज लगा दिया गया ये मानते हुए कि वो वापस आएगा।
और वो वापस आया भी, वो 50 मीटर फिर उसको उठा के लेके गया है गाय को, लेकिन वो पिंजरे में नहीं आया। तस्वीरें क्लिक हुई कहीं, मेमोरी कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड के अंदर वो मेमोरी कार्ड लाके कंप्यूटर में उसको देखा जाएगा कि वो पर्टिकुलर उस लोकेशन से आया है तो वो उसमें कैमरे में आ जाएगा। यदि वो बिल्कुल उस कैमरे की नजर से बच के आया है तो फिर वो चीजें अलग है। लेकिन वो जो बॉडी था वो तो दूर मिला, बॉडी को उसने मूव किया है, गाय की बॉडी को उसने मूव किया है। थोड़ा ये बताइए सर की टीम में आखिरकार लगभग 100 लोग है जो काम कर रहे हैं इस पूरे में, तो उनकी व्यवस्था, उनका रहने करने का कैसे क्या इंतजाम कर रखे, क्योंकि सबके दिमाग में तो यही पिक्चर है ना कि सब जंगल में हैं, तो क्या कैंप लगाए गए हैं, क्या लगाए गए हैं, थोड़ा सब एक कल्पना हो रही है। इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ग्राम पंचायत और हमारे विकास अधिकारी और हमारे तहसीलदार जी को। ग्राम पंचायत के द्वारा सबके खाने, चाय, नाश्ता और उसकी व्यवस्था वहाँ समुचित रूप से कराई गई है। वहाँ पे ग्राम पंचायत भवन है और इसके अलावा स्कूल जो है, स्कूल का रात्रिकालीन यूज जो है स्टे में 3 या 4 कमरों का किया जा रहा है। हमारे विकास अधिकारी ने प्रॉपर इसकी मॉनिटरिंग की। ग्राम पंचायत का सरपंच साहब जो वर्तमान सरपंच है छाली के, उनके द्वारा बहुत ही सक्रिय सहयोग हमें मिला। आर्मी के रुकने की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से बनी हुई थी, तो हमारे तहसीलदार जी के द्वारा अलग से उनकी व्यवस्था की गई थी, क्योंकि 24 आवर्स उनके काम करना होता है। सभी टीमें वैसे 24 आवर्स काम कर रही है, तो जैसे एकोमोडेशन हमारे पास में उपलब्ध थे उस तरीके से सभी की व्यवस्थाएं वहां पे की गई। अभी स्थिति ऐसी है कि मतलब उनके रुकने को लेकर, उनके रहने को लेकर, उनके नहाने धोने खाने प्रत्येक दिन दिनचर्या से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको लेकर कोई भी परेशानी नहीं है। सभी ग्रामवासी जो है वो अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन उस पूरे प्रक्रिया में दे रहे हैं। क्योंकि एक टीम कितने घंटा काम कर रही है फिर रिप्लेस हो रहे हैं उस जगह पर? जनरली फॉरेस्ट की टीम नाइट डे नाइट शिफ्ट में काम कर रही है, बाकी सब 24 आवर्स काम कर रहे हैं। क्या उम्मीद है अब आपको? मुझे ऐसा लगता है कि उसकी साइकोलॉजी को ऑलमोस्ट समझ लिया गया है, सिर्फ हम उस समय का वेट कर रहे हैं कि वो आए और ट्रैप हो जाए उसके अंदर। थैंक यू।